हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कि रिविट आर्किटेक्चर में जो व्यू के अंदर टैब व्यू एंड टाइल्स व्यू होता है वो क्या होता है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है कि मान लो आप 3D व्यू पे हो, 3D व्यू 1 पे हो, या फिर ग्राउंड फ्लोर लेवल पे हो, फर्स्ट फ्लोर लेवल पे हो, एलिवेशन आपने ऑन किया, सेकंड एलिवेशन ऑन किया, तो जितने भी व्यूज को आप ऑन कर रहे हो तो यहाँ पे एज ए टैब वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अगर आप क्लिक करते हो तो वही व्यू यहाँ पे एक्टिव हो जा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इन सभी व्यू को एक साथ देखना, तो मान लो मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आऊं तो इसके व्यू को छोटा करूं, तो मैं इन व्यूज को ऐसे अलग अलग भी कर सकता हूं कि इसको भी मैं यहां से अलग करके ले आया और यहाँ पे मैं इसको छोटा करके यहाँ पे रख के देख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फ्लोर प्लान को, यहाँ पे देख रहा हूँ एलिवेशन को, तो इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 3D व्यू भी कर सकता हूँ, तो एक 3D व्यू आ जाएगा। इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, तो इस व्यू में देख रहा हूँ मैं 3D व्यू को। तो ये तो हुआ मैनुअली करना कि मैनुअली आपने एक एक व्यू को यहाँ पे रखा हुआ है। बट अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मेरे को व्यू को फिक्स कर देना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टाइल व्यू। टाइल व्यूज पे क्लिक करोगे, जितने भी वहां पे व्यूज थे वो सारे एज ए टाइल्स में नजर आएंगे। मान लो मैं इसको क्लोज करता हूं और टैब व्यू पे क्लिक किया, अब ये मेरा टैब व्यू है, दो व्यू ओपन है। तो मैंने यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं एक तो ओपन करता हूं यहां पे ग्राउंड फ्लोर, ये मैंने ग्राउंड फ्लोर ओपन किया, एक मैंने इसका 3D व्यू ओपन किया यहां पे, एक मैं ओपन करता हूं यहां पे एलिवेशन नॉर्थ और एक मैं साउथ एलिवेशन, या फिर साउथ को हटा के एक में ईस्ट एलिवेशन। तो अब चारों व्यू को मैं एक ही टैब पे चाहता हूं, तो यहां पे आप कर दो टाइल व्यू। तो आप यहां पे देखोगे ईस्ट, 3D, नॉर्थ और ग्राउंड फ्लोर यहां पे आपका आ जाएगा। एक के अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस करोगे, मान लो यहां पे आप 3D में और यहां पे वॉल बना रहे हो, तो वो आपको हर एक व्यू में दिखाई देगा बनती हुई। क्लियर है? जैसे 3ds Max में होता है कि आप चारों व्यू को एक साथ ओपन यहाँ पे कर सकते हो, तो यहीं से आप चीजें बनाओगे तो वो आपको बनती हुई नजर आएंगी कि कहाँ पे वो किस टाइप से बनती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइल्स व्यू को कर सकते हो। और इसमें कितने भी व्यू, मान लो आपने फर्स्ट फ्लोर भी ओपन किया, अब इसमें भी अलग अलग व्यूज आ गए, तो आप टाइल्स व्यू अगर यहाँ पे करते हो, यहाँ पे टाइल्स व्यू, तो इनको भी स्विच कर देगा, उतने ही टाइल्स आपकी आ जाएंगी। क्लियर है? 6, 7, 8 व्यू जितने भी हो सबको एडजस्ट कर देगा। इवन अगर आप यहाँ से ज्यादा व्यू को भी ओपन करते हो तो वो उसको भी कर देगा, यहाँ पे टाइल्स व्यू करोगे इतने व्यू को ओपन कर देगा। अब इतने व्यू को भी आप देख सकते हो। अब अगर मान लो आपको क्या करना है, सारे व्यूज को क्लोज करना है, तो एक व्यू को आप यहाँ पे एक्टिव करें, एक व्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करें, और क्लोज इनएक्टिव नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, टैब व्यू पे क्लिक करूंगा, तो जितने भी व्यू थे वो सारे टैब व्यू पे आ जाएंगे। और एक व्यू को सिलेक्ट करके, मान लो मैंने यहाँ पे एक 3D व्यू को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके अगर मैं कर दूंगा क्लोज इनएक्टिव, तो सारी इनएक्टिव विंडो आपकी क्लोज हो जाएंगी। ऐसे आप टैब व्यू एंड टाइल्स व्यू में स्विच कर सकते हैं अपने व्यू को देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और सब्सक्राइब करते हुए प्लीज मेरे चैनल के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।